हाय, मैं हूँ शारदा। आज हम बनाने जा रहे हैं नींबू की शिकंजी। कभी कभी हम चिलचिलाती हुई गर्मी में, कभी बाहर से घर आते हैं तो कुछ ना कुछ हमें ठंडा पीने को चाहिए। ऐसे तो बाजार में कई तरीके के ठंडे मिलते हैं, जो घर पे बनाए हुए ठंडे की बात है वो कहीं भी बाजार में नहीं है। और नींबू पानी को बनाना बहुत ही आसान है और इसमें विटामिन सी होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए देखिए नींबू पानी बनाने के लिए हमने क्या सामान लिया है। दो नींबू का रस निकाल लिया है हमने और करीब हमने 10 चम्मच हमने चीनी के लिए है, चीनी हमारे पास पीसी हुई है। और अगर हम चाहें तो इसकी जगह हम साधारण चीनी भी ले सकते हैं। 1/4 चम्मच हमने काला नमक लिया है। 3 नींबू के छोटे टुकड़े लिए हैं हमने सजाने के लिए है और 2-3 पत्तियां हमने पुदीना की ली है जिसे हम सजाएंगे। नींबू पानी बनाना शुरू करते हैं। नींबू पानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चीनी को थोड़े से पानी में घोल लेंगे। थोड़ा सा पानी हम एक बर्तन में डालेंगे। और साथ ही हम पिसी हुई चीनी को डाल देंगे। और इसे हम मिक्स करें। चीनी को हम खूब अच्छे से घोल लेंगे और चीनी को हम चाहें तो अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। चीनी हमारी मिक्स हो गई है, अब हम इसमें काला नमक और नींबू का रस मिलाएंगे। काला नमक मिलाएंगे नींबू का रस मिला देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इस तैयार किए हुए मिश्रण को हम जो हमारे पास जग में 3.5 ग्लास पानी है उसमें मिक्स कर देंगे। नींबू की शिकंजी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। इसमें कुटी हुई थोड़ी सी बर्फ डाल देंगे और जितनी हमें बर्फ की जरूरत है, जितना हम ठंडा चाहते हैं उतनी ही हम इसमें बर्फ मिलाएंगे। एक हम पुदीना की पत्ती लगाएंगे और साथ ही हम नींबू लगाएंगे। नींबू की स्वादिष्ट शिकंजी हमारी बनकर तैयार हो गई है। नींबू की शिकंजी को बनाइए, पीजिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।